वैसे तो दुनिया का 90% केसर ईरान में पैदा होता है, लेकिन कश्मीरी केसर दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है। यह दुनिया का सबसे सुगंधित मसाला होता है, जिसका इस्तेमाल खास मौक़ों पर पकवानों का जायका बढ़ाने में किया जाता है। केसर की खेती मुख्य तौर पर पुलवामा के पंपोर व उससे सटे इलाकों में होती है। ये पधारिए मेरे घर। शुक्रिया अल्लाह का, आप जैसे लोगों की मदद के लिए टाइम मिलता है हमें। हमने पंपोर के लतापोरा गांव के किसान मुजफ्फर राशिद भट्ट से बात की और जाना कि आखिर केसर की खेती होती कैसे है और उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राशिद कश्मीर के संपन्न किसानों में से एक हैं। उनकी 3 पीढ़ियां दक्षिणी कश्मीर के पंपोर इलाके में केसर की खेती से जुड़ी रही हैं। और आगे जाने? हाँ, थोड़ा, थोड़ा, थोड़ा। जी। इसको हम बोलते हैं लाओ। ये जो है ना, ये जाफरान का घास है, जाफरान के बीज का घास जो इसमें बीज होता है। मैं आपको ये इधर से दिखाता हूँ। ये है जाफरान का बीज। एक ही जगह पे कितने बने हैं, कितने बीज है देखो। इससे ये अलग अलग लगाया जाएगा। अब अलग अलग भी लगा सकते हैं, दो जो तीन तीन भी इकट्ठे लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 इकट्ठे। अच्छा। या अलग अलग भी, एक को इधर लगा दिया, दूसरे को यहाँ, मान लो एक एक फुट के बैद, एक एक फुट डिस्टेंस। हाँ हाँ, उस हिसाब से देखो। ये रहा ज़ाफरान का बीज, इसमें क्या होता है देखो, इसके जड़ होते हैं, ये फूल इसी में से निकल आता है, यहाँ से इसी में निकलता है। आज इसमें घास है, ये घास फूल निकलने के बाद निकलती है, और इसी घास से हमें पता चलता है कितना बीज है इस खेत में, कितना बीज आ जाएगा। सही है, किसी में बीमारी मत लगी है, कोई ख़राब मत हुआ है, सड़ा हुआ मत है, तो इसी घास से पता चलता है। और ये घास उसी टाइम नवंबर के टाइम में ही निकलती है, जिस टाइम दुनिया की सारी घास सूख जाती है, लेकिन सिर्फ ये एक घास है जो हरी की हरी निकल जाती है एंडिंग नवंबर के टाइम पे, या मिड नवंबर के टाइम पे, जब इसमें फूल निकलता है। फूल निकलने के बाद ही ये निकलता है ये घास। फिर जब पूरी दुनिया सरसब्ज हो जाती है बहार में, तो फिर ये सूख जाती है। मुगलिया काल में केसर के इस्तेमाल का जिक्र मिलता है, इसी दौर में यह प्रसिद्ध भी हुआ। कश्मीर में केसर को जाफरान भी कहा जाता है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार कश्मीर के 3,715 हेक्टेयर क्षेत्र में केसर की खेती होती है। करीब 22,000 परिवार केसर की खेती से जुड़े हैं। राज्य में 17 टन केसर पैदा होता है। इसकी कीमत 2 से 5 लाख रुपए प्रति किलो तक होती है। केसर की खेती के साथ साथ राशिद सेब, आड़ू, बादाम, नाशपाती, खुबानी के बगीचे भी लगाते हैं। राशिद याद करते हैं कि जब वो छोटे थे तब केसर निकलने वाला महीना साल का सबसे खुशहाल महीना होता था। पूरा परिवार केसर निकालने के लिए काम करता था, सभी साथ में मिलकर गाना गाते हुए ये काम करते थे। पहले जितना केसर होता था, अब उतना नहीं होता। इसके लिए वो जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार मानते हैं। बहुत देर तक रहता है, बहुत सारे महीनों तक रहता है उस बर्फ की वजह से। तो बर्फ पड़नी जरूरी होती है, जरूरी होती है इसके लिए। यही हाल पंपोर के सभी किसानों का है। उन्होंने यहाँ दूसरी फसलें उगाने की भी कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे, क्योंकि यहाँ की जमीन केवल केसर के लिए ही सर्वोत्तम मानी जाती है। पंपोर में केसर की खेती अप्रैल माह से शुरू होती है। मिट्टी को कुछ इस तरह तैयार किया जाता है कि नमी अंदर तक जा सके। इसके लिए जमीन को कब्र नुमा आकार दिया जाता है। शायद उसका नाम था गुलाम मोहम्मद,
जब वो पहली बार यहाँ इस गांव में आया उस हाईवे से, नेशनल हाईवे से, जब उसने इतनी सारी ये ज़मीन देखा, उस पर ये कब्रों का जो डिज़ाइन दिखता है, तो उसने अपने पूरे काफिले से कहा भाई रुक जाओ। सारा काफिला रुक गया, उसके साथ बहुत सारी गाड़ियाँ थी, उस वक्त का चीफ मिनिस्टर था। जब सारी गाड़ियाँ रुक गई, फिर वो गाड़ी से उतर गया और उसने हाथ ऊपर किए और फातिहा पढ़ना शुरू कर दिया और अपने लोगों से कहने लगा जो उसके साथ था काफिला, उनसे कहने लगा भाई मुझे ये बताओ इतने सारे लोग कब मर चुके हैं। फिर एक ने उसे कहा है ये वर्ल्ड वार टू में सारे मर चुके हैं। फिर कुछ नहीं रहा। फिर उसको किसी दूसरे ने कहा भाई यहाँ पे कोई मरा नहीं है, ये ज़ाफ़रान की खेती है, इसमें ऐसा डिज़ाइन इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि जो बीज होता है उस बीज की ज़मीन के ऊपर पानी जमना नहीं चाहिए, जमकर नहीं रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, वो नीचे गिरना चाहिए इन नालियों में, जो नाली बनती है ना इन्हीं में जाना चाहिए और उससे इस बीज को थोड़ा मॉइस्चर मिल जाता। अगस्त के महीने में जाफरान के बल्ब खेत में बोने के बाद बारिश में सिंचाई के लिए छोड़ दिए जाते हैं। अक्टूबर तक इसमें फूल आ जाते हैं। पारंपरिक रूप से इसकी कटाई करने के बाद इसे सुखा लिया जाता है। राशिद बताते हैं कि केसर के फूल के तीन भाग होते हैं। पंखुड़ियों का इस्तेमाल दवा बनाने में होता है, पीला भाग ज़्यादा काम का नहीं होता, लाल भाग शुद्ध केसर होता है जिसकी हमें तलाश होती है। एक फूल से केवल तीन केसर के धागे निकलते हैं और एक ग्राम केसर के लिए कम से कम 350 ऐसे धागे चाहिए होते हैं। एक किलो केसर के लिए कम से कम 1.5 लाख फूलों की जरूरत होती है। राशिद के बगीचे में मानो कश्मीर का हर रंग बिखरा हुआ है। बहुत बड़ी वाली यहाँ वो सेब की नई किस्म भी तैयार कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने ग्राफ्टिंग भी की है। अरे फूल से एक नाशपाती निकलेगा ना? और फूल से एक एक दो दो नाशपाती निकलेंगे। देखो इसमें कितने निकलेंगे। यहाँ आपको बादाम, खुबानी, आड़ू, नाशपाती और अखरोट के पेड़ भी देखने को मिल जाएंगे। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ये है बादाम कश्मीर का, जो इसी साल इस पेड़ से फूटा है। कैसा, कड़वा होता है या नहीं? मीठा होता है, आप खाओ पहले ये। लेकिन जब ये धीरे धीरे दिन गुजर जाएंगे तो ये ज़्यादा बड़ा भी होगा और जितना बड़ा ये हो जाएगा उतना बड़ा इसका ये शेल मजबूत होगा हो और अंदर की गिरी पक जाएगी। देखिए मैंने तोड़ दिया। गिर गया। कोई नहीं, अंदर से गूंच है ना। हाँ अच्छा, ये ऊपर से हरा जो है वो ब्राउन हो जाएगा, अंदर वाला जो है वो देखो ये इसके अंदर गिरी है। गिरी कैसी है? दिखाई देता है? दिखता थोड़ी छोटी है। ये भी बढ़ जाएगी इसके अंदर, फिर पक जाएगी। जितनी ये अंदर से पक जाएगी उतनी बाहर का जो छिलका होता है वो खुद ब खुद भी बढ़ जाएगा और फिर खुद ब खुद गिर जाएगा। और उसके नीचे जो कवर होता है वो सख्त होता है, वो फिर हम तोड़ते हैं। वो उस वक्त ऐसे नहीं टूट जाएगा। तो इसके लिए आप बाहर से लेबर वगैरह मंगवाते हैं या फिर ये भी घर पे ही होता है? ये घर पे ही करते हैं हम। सारा घर पे ही होता है? सारा घर पे ही, या पास में जो हम पे जो लोकल होते हैं वो आ जाते हैं ये छांटने के लिए उस टाइम जब ये पक जाते हैं। यह हमारी खुशकिस्मती रही कि हमें कश्मीर में उगाई जाने वाली तमाम फसलें एक ही जगह पर देखने को मिल गई। राशिद कश्मीर के हालातों पर कहते हैं कि वो राज्य में अमन और चैन चाहते हैं। भाईचारा हो, चाहे वो जहाँ कहाँ कहीं का भी इंसान हो, हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, नेपाल का हो, बर्मा का हो, जहाँ कहीं का भी हो, हर एक के साथ भाईचारा होना चाहिए। हर कोई एक दूसरे के साथ अमन वो अमान से रहे। ये फिरका परस्ती, मजहब और कुछ ये तो सब बेकार की बातें हैं। ये शूट करते हैं सिर्फ उन सियासतदानों को।
धारा 370 पर वो कहते हैं कि इसके बाद से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। इतनी ज्यादा गरीबी आ गई, इतनी इकोनॉमी लॉस हो गई, जितना हमने कभी जहन में भी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था इतना नुकसान होगा। तो मतलब क्योंकि जो हमारे कारोबारी इदारे थे सब बंद हो गए। मैं खुद अपनी बताता हूँ, स्कूल बंद हो गए, मैं कुछ कमा नहीं पाया, इसकी वजह से मुझे अपना स्कूल ही बंद करना पड़ा। इसी तरह बहुत सारे फैक्ट्रियाँ थी, इंडस्ट्रीज थी, कॉमर्स डिपार्टमेंट के साथ जो वाबस्ता है वो सारी कंपनियाँ बंद हो गई। आर्टिकल 370 के टूटने के बाद उनके साथ भी जो कहा गया था कि आपको ये देंगे वो देंगे, कुछ नहीं मिला उनको। जब मुझे कुछ नहीं मिला तो और उनको क्या मिलेगा, ये तो सीधी सी बात है। मतलब मैं पढ़ा लिखा बेरोजगार हो गया। अभी समझ नहीं पा रहा हूँ मैं कि फ़र्क आया किस जगह पर। फ़र्क इतना तो आ गया, फ़र्क ये आ गया कि जितने गरीब कश्मीर में हम थे, हम उससे ज़्यादा गरीब हो गए।